हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने गूगल अकाउंट का क्यूआर कोड जो वो ऑर्डर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो पे बने रहे, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से गूगल पे फॉर बिजनेस ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी। उसके बाद नीचे आपको जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कोई एक ईमेल आईडी जो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, उन सारे परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। तो चलिए, जब तक ये पेज ओपन हो रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इतना करने के बाद आपसे डिवाइस का लोकेशन मांगा जाएगा, यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद आपके सामने जो है इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी, और यहाँ पे आपको ऐड अ बिजनेस पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते तो आपसे जो यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स मांगा जाएगा, उन सारे डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बिजनेस ओनर नेम पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शॉप नेम पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिजनेस नेम पूछा जाएगा। उन सारे डिटेल्स को आपको अच्छे से यहाँ पे फिल कर लेना है। देन आपसे यहाँ पे आपके बिजनेस का टाइप पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और अगले पेज में आपसे आपके बिजनेस का कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे आपके बिजनेस का कैटेगरी जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने बिजनेस का लोकेशन यहाँ पे डालना है, जैसे कि पिन कोड, शॉप नंबर, उसके बाद स्ट्रीट नेम, एरिया, ये सारे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और ये सारे फिल करने के बाद यदि आप अपने शॉप को गूगल मैप में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंफर्म ऑन मैप पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से जो है अपने गूगल मैप में जो अपने शॉप को जो यहाँ से कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नीचे जो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद जो आपको अपने बिजनेस मोबाइल नंबर डालना, अपने जिस भी नंबर से अपना गूगल पे बनाया उस नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी नंबर से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फोटो और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए, जब तक ये पेज ओपन हो रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो चुका है, और इस पेज में मेरा बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर और उसके साथ साथ आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। देन आपको नीचे फाइंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो ऑटोमेटिकली जो आपका वो वेरीफाई हो जाएगी। और इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो फिर से वो डिटेल्स, वो सारी समरी जो आपके सामने आ जाएगी, उन सारे समरी को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जो इसे सबमिट कर लेना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपका जो है गूगल बिजनेस अकाउंट वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है गूगल बिजनेस अकाउंट वो मेरा अच्छे से क्रिएट हो चुका है। लेकिन गूगल आपके बिजनेस के रिव्यू के लिए 1 से 2 दिन का टाइम ले सकता है, लेकिन वो आपका जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो आपका रिव्यू कम्प्लीट हो जाएगी। और रिव्यू कम्प्लीट होने के बाद ही जो आप अपने गूगल पे का क्यूआर कोड जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगभग 5 मिनट के बाद जो मेरा अकाउंट जो वो रिव्यू के लिए कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मुझे जो है नीचे जो है क्यूआर कोड अप्लाई करने के लिए नीचे मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। और जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कुछ एड्रेस जो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे कन्फर्म एंड सेंड पे क्लिक करना है। और इसके बाद जो आपका गूगल क्यूआर कोड का ऑर्डर वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और इसके बाद लगभग 15 दिनों में आपका गूगल क्यूआर कोड आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं 15 दिनों के बाद। तो दोस्तों, लगभग 15 दिनों के लंबे समय का इंतजार करने के बाद फाइनली मेरे घर तक ये क्यूआर कोड पहुंच चुकी है। तो चलिए देखते हैं गूगल ने इस पैकेज में क्यूआर के साथ साथ और क्या क्या मुझे इस पैकेज के साथ भेजा है। तो चलिए सबसे पहले इस पैकेज का अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरे इस पैकेजिंग से गूगल पे का एक क्यूआर कोड बाहर हुआ, जो कि एक प्लास्टिक का है। और इसके साथ साथ क्यूआर कोड का 2 स्टिकर मुझे मिली है, और गूगल पे का लोगो का भी 2 स्टिकर मुझे मिली। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक की एक स्टैंड मुझे मिली है। दोस्तों, ये एक प्लास्टिक का क्यूआर कोड है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ एक स्टैंड भी दिया गया। अगर आप इस स्टैंड को इसके नीचे लगा देते तो आप इसे जो है किसी भी टेबल में जो आप इसे आसानी से स्टैंड कर सकते हैं, और इसे लगाना बेहद आसान है। इसे लगाने के बाद आप किसी भी टेबल पर इसे आप आसानी से स्टैंड कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर को जो आसानी से इसे क्यूआर कोड को स्कैन करने में आसानी हो।
तो दोस्तों गूगल ने इसके साथ साथ दो QR कोड के स्टिकर भी सेंड किए हैं ताकि आप इस स्टिकर को अपने दुकानों में कहीं भी चिपका सकें। और इसके साथ ही गूगल ने गूगल पे के लोगों के दो स्टिकर सेंड किए ताकि आप अपने दुकान के बाहर इसे चिपका सकें ताकि कस्टमर को पता चले कि आप गूगल पे यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल पे के QR कोड का सफ़र, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने गूगल बिजनेस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपने QR कोड को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि कैसे मैंने जो है गूगल पे को ऑर्डर करके घर पे मंगवा करके आपको मैंने वीडियो बना करके दिखाया। दोस्तों ये वीडियो पूरा करने में मुझे लगभग 16 दिन लगे और आपको वीडियो लाइक करने में मात्र कुछ ही सेकेंड लगेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन भी कर दे ताकि इस तरह के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।